लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई, और हो भी क्यों ना, 583 सीटों में 99 सीटें जीतकर ही कांग्रेस को लग रहा है कि मैदान मार लिया है, जीत हासिल कर ली है और अब दिल्ली दूर नहीं है। नए नए नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अयोध्या मूवमेंट को इंडी गठबंधन ने रोक दिया है। क्या वाकई ऐसा सच है? पिछले दिनों भी राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं पर भी टिप्पणी की थी, आपको भी याद होगा, और अब जन्मभूमि आंदोलन पर टिप्पणी को लेकर के राहुल बारी बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान, राहुल ने गुजरात में बीजेपी को हराने का दावा किया है, अयोध्या की तरह गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। आडवाणी के मूवमेंट को इंडी गठबंधन ने हराया है। नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार गुजरात का ये दौरा राहुल गांधी का, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और राज्य में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत होने का ऐलान भी कर दिया है। राहुल गांधी जो कि काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हुए नजर आए कि अयोध्या की तरह गुजरात में भी हम बीजेपी को हराएंगे, आडवाणी के मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने हराया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का ये बड़ा बयान जब वो अहमदाबाद पहुंचे, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राहुल ने। जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जो जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। और राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को गुजरात में जीत का मंत्र देते हुए बीजेपी के सबक सिखाने की बात भी कही है, और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने वो सुनिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी है तो वो पार्टी, वो भावना, वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी। इसीलिए जब इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए, और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। तो अब मेरा कहना है कि ये काम सीरियसली करना है। तो वही राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने राहुल के इसी बयान को जनभूमि आंदोलन का अपमान बताया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल का अहंकार सिर चढ़ कर बोल रहा है, हिंदू नफरत में निकल रहे हैं राहुल गांधी ये जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस मंदिर और राम विरोधी है। राहुल गांधी का हिंदू विरोध और हिंदू नफरत अब सर चढ़कर बोल रहा है, 99 सीटें क्या आ गई तो इस प्रकार का अहंकार। राहुल गांधी ने गुजरात में बोला है कि जिस मूवमेंट को आडवाणी जी ने शुरू किया था, जिसका सेंटर अयोध्या था, इसका मतलब राम जन्मभूमि आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस मूवमेंट को हमने, इंडी अलायंस ने अयोध्या में हरा दिया। पहले तो राहुल गांधी जी, आप फैजाबाद की सीट जरूर जीते हैं, अयोध्या की विधानसभा में भाजपा को लीड है। राहुल गांधी और संवेदना का ना कोई संबंध था ना कोई संबंध हो सकता है। जिस प्रकार से भगवान राम जी उनके लिए मात्र एक कल्पना है, लेकिन मेरे देशवासियों के लिए भगवान राम जी वो एक सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है।